Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, मैं corporate trainer अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एक सिविल इंजीनियर की जैसे ही डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होता है तो क्या वह सक्सेसफुल इंजीनियर बन जाता है, क्या वह सिविल इंजीनियर बन जाता है, या यूं कहें कि जैसे उसके पास डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आता है क्या वह इंजीनियर बन जाता है. यदि हाँ यदि ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना. तो चलिए इंजीनियर चलते हैं. तो इंजीनियर, जैसे कि आप जानते हो कि जैसे एक इंजीनियर की डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होती है वह जैसे ही कॉलेज से बाहर आता है तो वो डरता है अपने आप को सिविल इंजीनियर बताने के लिए. सबकी बात नहीं कर रहा हूँ पर मैक्सिमम इंजीनियर. क्यों? कि कोई कुछ पूछ ना ले, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज तो बिल्कुल नहीं रहता और थ्योरी कोई पूछने वाला नहीं. थ्योरी कहीं काम नहीं आने वाली. कहीं काम आने वाली है क्या? नहीं आने वाली, क्योंकि कंपनी को चाहिए फुली प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि उसको काम कराना है. वो काम कराने का पैसा देगी, काम का ही पैसा देगी ना. तो उसको क्या चाहिए? एक ऐसा इंजीनियर जो फुली प्रैक्टिकल ट्रेंड. तो क्या आप फुली प्रैक्टिकली टेंड निकलते हैं? क्या आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होता है जब आप कॉलेज से पास आउट होते हैं? नहीं होता. आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़िया होता. क्या आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज कहीं काम आने वाला? नहीं आने वाला. इसीलिए एक सिविल इंजीनियर की डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद, या यूं कहें कॉलेज लाइफ कंप्लीट होने के बाद भी वह एक सिविल इंजीनियर नहीं बन पाता, वह एक सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बन पाता, क्योंकि उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता. तो इंजीनियर, अब आप सभी के माइंड में डाउट होगा कि सर हमने तो कॉलेज लाइफ में सीखा नहीं, कॉलेज में तो हम सीख नहीं पाए प्रैक्टिकल नॉलेज. कोई कंपनी फ्रेशर को रख नहीं रही. तो वो जो फ्रेशर इंजीनियर है जो अभी जस्ट कॉलेज से पास आउट हुआ है, या दो जो इंजीनियर एक दो साल से जॉब भी कर रहा है, वो एक अच्छा खासा इंजीनियर कैसे बन पाएगा? या यूं कहें कि एक अच्छा एक्सपीरियंस इंजीनियर या एक बेहतर इंजीनियर कैसे बन पाएगा? उसके लिए आप कहीं से भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, कहीं से ट्रेनिंग ले सकते हैं. गवर्नमेंट भी बहुत सारी कंपनियां हैं, प्राइवेट भी है. उन्हीं में से एक हमारी सिविल गुरुजी है जो आपको फुली प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर के पार्ट में भी ट्रेनिंग देती है. क्योंकि इंजीनियर, आपको पता है, यदि आपको ग्रोथ करना है, यदि आपको अच्छे लेवल में जाना है, तो आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा. आपको प्रैक्टिकली नॉलेज से काम नहीं चलने वाला. आपको ऑफिशियल वर्क भी आना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर पार्ट का भी नॉलेज होना चाहिए. यदि आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं या यूं कहें कि नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे काउंसलर टीम को कॉल कर सकते हैं. इंजीनियर, हमारे काउंसलर टीम का नंबर है 9111001234 पर कॉल करें और आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. और यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं. तो अभी हम बात कर रहे थे कि एक सिविल इंजीनियर क्यों नहीं कहलाता. तो मेन इसका रीजन यही है, क्योंकि उसके पास जो एक कॉरपोरेट फील्ड की डिमांड है, जो एक इंजीनियर को आना चाहिए, जो इंजीनियर जाके साइट पे काम कराता है वो आना चाहिए. क्योंकि साइट पे तभी वो सर्वाइव कर पाएगा. एक कंपनी तभी आपको हायर कर पाएगी जब आप उसके लिए काम कर पाओगे. तो यही रीजन है कि एक इंजीनियर, सक्सेसफुल इंजीनियर, या यूं कहें कि एक सिविल इंजीनियर अपने आप को गर्व के साथ सिविल इंजीनियर इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता. तो इंजीनियर, आपको डबल से बता दूं कि यदि आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी आपके लिए है. आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं. तो इंजीनियर, चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर्स.